टीएमसी उम्मीदवार अमीरुद्दीन भाभी हैं जो जीत चुके हैं। हम उनके साथ बात करेंगे कि उनके क्या कुछ उनके कहने, जीत के बाद क्या, आज आप जीत चुके हैं क्या बोलेंगे? ये जीत 54 नंबर वार्ड के आवाम की जीत है। इसमें नो डाउट 54 नंबर वार्ड के आवाम ने मुझे इतना भरोसा किया, इतना मोहब्बत दिया, मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये जीत तो है, हैट्रिक किया है, दीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिषेक बैनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, 54 नंबर वार्ड के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों हाथ से 26,002 वोट से मुझको जिताया, 19,568 वोट कास्ट हुए थे, उसमें से 26,200 वोट का मेरा लीड हुआ है। मैं 54 नंबर वार्ड का आवाम को सलाम देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना भरोसा रखने के लिए। मैं बहुत उस काबिल तो नहीं, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 54 नंबर वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर और उनकी उम्मीद को मैं पुख्ता करूँ और मजबूत करूँ। क्या बोलना चाहेंगे आज जीत? नहीं, आज तीसरी बार है इस जीत का सहरा 54 नंबर आवाम को, 54 नंबर वार्ड की आवाम को इस जीत का सहरा उनके सर जाता है। और मैं पूरी आवाम को मुबारकबाद देती हूँ कि वो इसके मुस्तहक हैं, और अब बहुत दिली मुबारकबाद सबको कि सबके सपोर्ट और सबके प्यार से आज हैट्रिक हुई है, दिस इज हैट्रिक, तो बहुत खुशी है आज। ये इसका सारा क्रेडिट आवाम को है, पब्लिक को इसका है, सबको बहुत मुबारक मेरी तरफ से। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज तीसरी बार जीते हैं अमीरुद्दीन भाभी साहब। मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत खुशी हो रही है यहाँ की आवाम, यहाँ का प्यार मोहब्बत देख करके, यहाँ जो बंगालियों ने और जो मुसलमानों ने मिल करके जो है इत्तेहाद पैदा किया है, इसका असर यूपी में दिखाई दे रहा है, इस इत्तेहाद समझ रहे हैं। तो यहाँ की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन्होंने, जिन लोगों ने इनके साथ मेहनत करके इनको हैट्रिक दिलाई। तीसरी बार जीत चुके हैं आपके पापा, क्या बोलेंगे? जैसे कि ऑब्वियसली सबके सपोर्ट एंड सबके प्यार की वजह से आज ये तीसरी बार पापा जीते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम सब खुश और ग्रेटफुल है, और बस अब इतना खुशी का माहौल है, तो लाइक एवरीवन शुड सेलिब्रेट एंड बी हैप्पी एंड लाइक। बहुत शुक्रिया। अब आवाज नंबर 54 में है अमीरुद्दीन भाभी के घर के पास, यहाँ पर घर के सामने जिस तरह की खुशी आप देख रहे हैं, लोगों का जन समर्थन, जन सैलाब उठा हुआ है यहाँ पर, उनके परिवार भी, उनके समर्थक, उनके मोहल्ले के लोग, उनके गली के लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं।